एपिसोड में हम बात करेंगे दो ऐसी कंपनी के बारे में जो अपने शेयर होल्डर्स को कर सकती है माला माल। अगर आप इन्वेस्ट करते हो फार्मा सेक्टर के अंदर, अगर आप मतलब एक रेगुलर इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, तो आपको ये दो स्टॉक पे नजर रखनी जरूरी है। आज ही न्यूज आई है कि इंडिया में भी कोविड वैक्सीन अप्रूवल हो सकता है। आज ही बोल रहे थे कि अप्रूवल हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई न्यूज आया नहीं है उसका। लेकिन जल्दी ही वैक्सीन की अप्रूवल आ सकती है इंडिया में। लेकिन अभी जो दो कंपनी लिस्टेड है इस स्पेस के अंदर, जो सबसे आगे है, जिनकी सबसे हाई प्रोबेबिलिटी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली कंपनी की अगर हम बात करें तो वो है फाइजर। अगर आपने सबसे पहले मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। फाइजर की बात करें तो फाइजर ऑलरेडी ये जो वैक्सीन है यूएस में अवेलेबल है। इसकी वैक्सीन यूएस में, कनाडा में और भी काफ़ी सारी कंट्रीज है जहाँ पर ये अपनी वैक्सीन अवेलेबल कर चुके हैं। इनकी वैक्सीन अवेलेबल होनी शुरू हो गई है। इसकी अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की बात करूँ, पिछले 5 दिन के अंदर अगर मैं इसके चार्ट परफॉर्मेंस की बात करूँ, पिछले 5 दिन में कुछ ज़्यादा खास आपको देखने को नहीं मिला है, उल्टी का 2% नेगेटिव ही रहा है। 1 मंथ चार्ट की बात करूँ तो 1 मंथ में भी अगर मैं बात करूँ तो आपको कुछ 0.09% पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बीच में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आया था वैक्सीन को लेकर, तब इनका शेयर 5% अप था। तो काफ़ी एक अच्छी कंपनी है फाइजर। इंडिया में भी इसकी सब्सिडरी है, लेकिन कब, अगर इनको गवर्नमेंट, इन्होंने भी गवर्नमेंट को अप्लाई कर रखा है कि हमें भी इमरजेंसी अप्रूवल के लिए इंडिया में वैक्सीन का अप्रूवल मिल जावे। अभी तक इनको कोई अप्रूवल मिला नहीं है और ज़्यादा चांसेस लग भी नहीं रहे कि जल्दी से इनको कोई अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको इस कंपनी के ऊपर रखनी है नज़र। 5,100 रुपीज़ एंड 12 का इसका शेयर प्राइस है। 52 वीक की बात करें, हाई की बात करें तो 5,900 रुपीज़ का 52 वीक हाई है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.2% का आपको इसके अंदर डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है डिविडेंड, लेकिन कंपनी के ऊपर नजर रखनी है। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है। अगर खाली आप वैक्सीन को, न्यूज़ को लेकर देख रहे हो तो भी काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है। कल को अगर इसके रिलेटेड कोई वैक्सीन की न्यूज़ आ जाती है तो ये 5,000 का शेयर आराम से इंटू आप वन कर लीजिए, 8,000 से लेकर 9,000 रुपीज़ पर शेयर आराम से हो सकता है। कुछ ही दिनों में शेयर का वैल्यू 8,000 से 9,000 रुपीज़ हो सकता है। आपको नज़र रखे बनाए रखनी है, न्यूज़ पे नज़र रख के बनाए रखनी है। कभी भी अगर इस कंपनी को लेकर रिलेटेड कोई खबर आ जाती है इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा शेयर का भाव बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने हैं अगर आपने ऑलरेडी पहले के ही प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जब 6 मंथ पहले जब इस कंपनी का जो वैल्यू था करीब करीब 4,000 के आसपास था, 3,900 के आसपास था, जब मार्च में गिरा था तब ये 3,690 का आपको इसका लो देखने को मिल रहा था, तभी अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा तो अभी भी आप इन्वेस्टेड रहिए। ऐसा कुछ नहीं है, टर्न अराउंड नहीं हुआ है। कल को अगर वैक्सीन के लिए अप्रूवल नहीं भी मिलता तो इस शेयर के अंदर ज़्यादा कुछ आपको ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा, वही 4,500 के आसपास ये शेयर ट्रेड करेगा। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देख सकते हो। अगर वैक्सीन नहीं आती है तो नॉर्मली भी इसका 1 to 2 years, 2 साल के अंदर इसका व्यू है कि ये 5,000 की कंपनी आराम से 6,000 तक जा सकती है। 1 से 2 साल का टाइम लगेगा। अगर वैक्सीन की न्यूज आ जाती है तो 1 से 2 दिन में ये लगेगा शेयर को 8,000 से लेकर 9,000 तक जाने के लिए। तो अगर आपको आपका लक आजमाना है तो आप कुछ क्वांटिटी उठा सकते हो फाइजर कंपनी के, अगर आपके पास स्पेयर अमाउंट है, और अगर आपको रिस्क उठा सकते हो 500 से लेकर 600 रुपीज पर शेयर, अगर आप रिस्क उठा सकते हो कि कल को अगर नहीं इस कंपनी को अप्रूवल मिलता तो आराम से 500 से 600 रुपीज पर शेयर गिर सकती है ये कंपनी की वैल्यू। तो अगर आप वो रिस्क उठा के अगर आप एक चांस लेना चाहते हो कि नहीं कंपनी अच्छी, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, ये प्राइस आपको फिर से मिल जाएगा। अगर यहाँ से गिरावट भी आती है कंपनी के अंदर, ये प्राइस आपको फिर से देखने को मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। फिर आराम से आप 1-2 साल के अंदर 6,000 का लेवल भी देख सकते हो। अगर अभी और एक कंपनी की बात करें तो वो है एस्ट्राजेनेका, और ये काफ़ी न्यूज़ में है। आज इस कंपनी को रिलेटेड न्यूज़ आई है कि ये कंपनी ने भी अप्रूवल के लिए मांगा है। यूके में आज इसका अप्रूवल मिला। आज आप देख सकते हो चार्ट आराम से 12 बजे के आसपास, 12:30 के आसपास एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा था। हालांकि नेगेटिव ही ये कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा था, 4,500 के भी नीचे ये ट्रेड कर रहा था। लेकिन अचानक से जब ये न्यूज़ आई, आप देख सकते हो एक शार्प सर्ज आपको देखने को मिला, और जो कंपनी है वो अराउंड 4,655 115 पॉइंट्स का आपको जंप देखने को मिला, 2.55%। हालांकि ये खाली यूके में अप्रूवल मिला है, इंडिया में नहीं मिला है, लेकिन काफी लोग कह रहे हैं, काफी न्यूज के थ्रू खबर आ रही है कि एस्ट्राजेनेका ये जो कंपनी है ये ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर अपनी वैक्सीन बना रही है, और वो
शायद आज या कल इंडिया में भी उसका अप्रूवल मिल सकता है। अगर अप्रूवल मिल जाता है, ये शेयर ऑल टाइम हाई से भी ऊपर जाएगा। जो इसका ऑल टाइम हाई है वो है 4,970 का। आराम से ये शेयर 5,500 से लेके 6,000 रुपीज पर शेयर, यानी यहाँ से करीब करीब 1,500 रुपया इसको जाने में 2 दिन भी नहीं लगेगा इस शेयर को, अगर इससे रिलेटेड न्यूज आ जाती है। काफी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, बैलेंस शीट काफी मजबूत है। आराम से अगर वैक्सीन की न्यूज नहीं भी आती है, कल को वैक्सीन नहीं भी अप्रूवल दी जाती है, तो भी कंपनी आराम से 5,000 से लेकर 5,500 आने वाले 1 से 2 साल के अंदर ये टच कर सकती है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफी सारे प्रोडक्ट्स इसके मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर वैक्सीन वाली न्यूज आ जाती है, जो भी ट्रेडर्स है, जो भी इन्वेस्टर्स है, खासकर इन्वेस्टर्स को ही फायदा होगा, जो भी ट्रेडर्स है उनको क्विक रहना है। क्योंकि देखिए आज 10 मिनट भी नहीं मिला होगा, जितने भी ट्रेडर्स थे, जितने भी अगर किसी ने ट्रेडिंग के लिए शेयर लिया होगा, तो मुश्किल से 2 मिनट लगा होगा इस शेयर को यहाँ से यहाँ तक जंप करने के लिए। अगर किसी ने शॉर्ट करके रखा था इस कंपनी को, तो वो बुरी तरीके से फंस गया, क्योंकि मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर कितना क्विक 2.5% का मूव आया है, जबकि खाली यूके में अप्रूवल मिला है, इंडिया में अभी तक इसको अप्रूवल नहीं मिला। और अगर इंडिया में अप्रूवल मिल जाता है, ये शेयर आराम से 5,500 से लेके 6,000 तक आपको जाने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, जिस भी कंपनी को वैक्सीन का अप्रूवल मिलेगा, सोचिए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हाई है। इतनी हाई पॉपुलेशन है, पर डोज भी अगर 100 से 200 रुपीज पर डोज भी लगता है, तो सोचिए अगर 30 करोड़ डोज अगर लग जाते हैं, तो इनटू 30 करोड़ डोज आप कैलकुलेट कीजिए कितना पैसा ये कंपनी कमाएगी। हालांकि 100 से 200 इनका फुल प्रॉफिट नहीं रहेगा, लेकिन 100 से 200 के बीच में से इनका सपोज अगर पर डोज 30 रुपीज का भी प्रॉफिट होता है, तो सोचिए कंपनी कितना करोड़ ऑफ रुपीज कमाएगी इस एक वैक्सीन के न्यूज से। हालांकि R&D में भी उतना पैसा उन्होंने खर्च किया है, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर है तो ये दोनों कंपनी को देख सकता है, दोनों कंपनी में थोड़ी थोड़ी पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा तो ओपिनियन यही रहेगा कि आप दोनों कंपनी के अंदर हल्की हल्की पोजीशन बना लीजिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इतना भी बाय मत कीजिए कि कल को अगर उनके खिलाफ नेगेटिव न्यूज आता है कि नहीं इनकी वैक्सीन नहीं अप्रूव की जाएगी इंडिया में, तो अगर ये शेयर गिर भी जाता है तो आपको उतना लॉस ना हो और आप इसको होल्ड कर सको, तो उतना ही पोजीशन लीजिए जितना आप आने वाले 1 से 2 साल के अंदर होल्ड कर सको। अगर इन दोनों कंपनी में से किसी भी कंपनी के अंदर पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, तो आपका पैसा को मल्टीप्लाई होने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। कुछ शेयर्स आप इसको उठा सकते हो, सपोज आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आप 10 या 12 शेयर्स आप इस कंपनी का उठा लीजिए, 10 या 11 शेयर्स आप इस कंपनी के उठा लीजिए, 10 या 11 शेयर आप फाइजर कंपनी के उठा लीजिए, जो दोनों कंपनी के आप 10 10 11 11 शेयर्स उठा लीजिए। जिस भी कंपनी को पॉजिटिव न्यूज आती है, उस कंपनी के अंदर आप आपका पैसा और ऐड कर सकते हो, या तो उसको आप रख सकते हो, जिस कंपनी में नेगेटिव न्यूज आती है उसको आप निकल सकते हो। दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, नजर रखिए कभी भी अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी एक अच्छी कंपनी हो सकती है। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे इसके और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।